हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि मुझे इसको वॉश करना था, मेरी जैकेट है, राइडिंग जैकेट, बाइकिंग ब्रदरहुड एक्सप्लोरर। तो मैंने सोचा कि ना इसको वॉश करने से पहले एक बार इसका रिव्यू भी कर दिया जाए। और इसके अलावा मेरे पास में है नी पैड जो कि बाइकिंग ब्रदरहुड के ही हैं, तो उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे। सो रिव्यू करने के बाद करते हैं इसे वॉश। तो ये इसका लाइनर है जो एक्चुअली मैंने यूज़ में ही नहीं लिया है कुछ ज़्यादा, मतलब एक्चुअली नहीं लिया है आप कह सकते हैं। सो इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो ये रेन कवर है इसको भी मैंने यूज़ में नहीं लिया है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को तो मैंने यूज़ में नहीं लिया है, तो कुछ साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, तो इनको अपन लोग जो है साइड में रख देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारे उसमें पानी भर रहा है मशीन में, तब तक हम लोग इसके जितने भी जो गार्ड्स हैं, जो पैड्स हैं, वो निकाल लेते हैं। सो इस जैकेट के बारे में वैसे कुछ खास है नहीं मेरे को बताने के लिए। जब वैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं एक राइडिंग जैकेट लूँगा, तब मेरा था कि 15,000 तक की जैकेट लूँगा, 20,000 तक के राइडिंग के बूट्स लूँगा, और मतलब कि हर चीज़ जो भी है वो काफ़ी मतलब अच्छी उसमें लूँगा मैं, क्वालिटी में, और महंगी लूँगा काफ़ी। लेकिन जब खुद आप कमाने लग जाते हो ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ, उससे पहले तो पापा दे रहे थे, मैंने कहा चलो पापा दे रहे हैं, हो जाएगा। अभी जब आप खुद काम करने लगते हो तो लगता है कि नहीं यार, राइडिंग का बजट भी करना है, और राइडिंग का बजट भी आप ही को करना है। उसके अलावा जो भी है, जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ का बजट है, प्लस फिर और भी चीज़ें हैं, आपका फ्यूज़ होता है बाइक का। तो मैंने अभी काफ़ी सारी राइड्स की थी रिसेंटली, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस मैंने राइड की थी, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो सही नहीं वर्क कर रहा है एक्चुअली। जो मैं मेरा SG 4000 है, जिसको मैंने शायद से 7-8 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, और वो उस टाइम पे, और अब तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार में अच्छा कैमरा आ जाता है। और तो वो कैमरा था जो अच्छे से कुछ खास वर्क नहीं कर रहा था, वजह से जो है मैं नहीं कर पाया। अब इसमें एक पैड है और है, वो कहाँ से निकलेगा। सो इसमें यहाँ वेलक्रो है हैंड की तरफ से, तो आप हाथ में से यहाँ पे देके अपने इस पैड को निकाल सकते हैं। जो एल्बो वाला पैड है उसकी बात हो रही है। तो इस जैकेट में के बारे में कुछ खास वैसे है नहीं बताने को। ये जैकेट आपको लगभग 6,500 रुपये में मिल जाएगी, तो सस्ती जैकेट है, और स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, अगर आप राइडिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग राइड्स नहीं करनी है ज़्यादा, जैसे कि मुझे पता था कि मुझे भी ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करनी है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही वाली जैकेट ले लेता हूँ। और यही वाले जो मैंने लिया है जैकेट, नी पैड और टैंक बैग, ये सब लिया, तो कहाँ सोचा था कि 30-40-50 हज़ार रुपये तक के सामान राइडिंग गेयर्स लेंगे, एक 10 हज़ार तक का हेलमेट भी लेंगे, लेकिन कहाँ फिर मैंने जो है 15,000 रुपये 10,000 रुपये में ही सारा का सारा चीज़ें ले ली। सो ऐसे होता है। अब ये नहीं है कि ये परमानेंट है, ये भी मुझे चेंज करने हैं, अभी इनसे यूज़ में ले रहे हैं, फिर कभी जब लॉन्ग राइड करेंगे, बजट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हम लोग दूसरी जैकेट लेंगे। कि वरना अभी तो मुझे सबसे पहली चीज़ थी कि मुझे हेलमेट चेंज कर लेना चाहिए था, हेलमेट मैंने चेंज नहीं किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मुझे हेलमेट ले लेना चाहिए था। मैंने एक हेलमेट देखा भी था, मैं उसका नाम भूल गया, लगभग 9,000 रुपये का हेलमेट था, काफ़ी अच्छा हेलमेट था, और उसको मैंने कहा सही टाइम पे परचेस कर लिया होता ना तो कर ही लिया होता। उस 500 रुपये के चक्कर में मैंने हेलमेट को छोड़ दिया था, मतलब कि 500 रुपये वो जो है डिस्काउंट नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार हर चीज़ ही मतलब बिना डिस्काउंट के क्यों लें, तो दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया। और वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अब मैंने उसको फिर वो डिले हो जाती है एक बार चीज़ जो होनी होती है। सो ये हमने इसके सारे के सारे जो पैड्स हैं वो निकाल दिए हैं। अब हमारी राइडिंग जैकेट जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल जैकेट रह गई है, और इसके सारे वेलक्रो हटा लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो है इसके वेलक्रोस ख़राब हो जाए। और वेलक्रो से याद आया, जो मेरा जो नी पैड है उसका वेलक्रो बहुत ही बेकार है, तो अभी भी काफ़ी हैवी है, लेकिन इतनी हैवी नहीं है, अब इन पैड्स को हटाने के बाद में काफ़ी हल्की हो गई है। सो इसको हम लोग करते हैं वॉश। तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको ये हेडफोन जैक जो मिलता है ना, ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें आपका फ़ोन सेफ रहता है, और आपका जो ईयरफोन है, जो कि जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ तो यहीं से माइक कनेक्ट करके जो है मैं उसको हेलमेट में कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये बस चेन बंद रहता है और फ़ोन आपका सेफ रहता है। वरना आपको ऐसा करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत चेन खोलना पड़ता है और देन आपको उसमें से वायर निकालना पड़ता है। तो जब तक हमारी राइडिंग जैकेट वॉश हो रही है, तब तक हम लोग
एक बार अपना नी पैड देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा था उसके बारे में। तो ये है हमारे नी पैड, और इसका जो वेलक्रो है ना वो कुछ खास अच्छा नहीं है। इसमें आपको कपड़ा नहीं मिलके फोल्डिंग वाला ये मिलता है, तो जॉइंट्स मिलते हैं, जो आपका नी जो है जब आप ऐसे बैंड करते हैं तो वो नीचे नहीं खिसकता है, और ये वाली जगह जो है काफ़ी सेफ रहती है। हमारा जो इसका वेलक्रो है वो कुछ खास अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सो जितनी बार भी जैसे कि मैंने विंटर्स में जितनी बार भी राइड किया है ना, तो विंटर्स में राइड करते वक्त ये वेलक्रो गीला, हल्का सा गीला होता ही उतर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका उतरता है, दोनों का तीनों का ही जो है वेलक्रो उतर जाता है। सो आप कह सकते हो कि ये 1800 रुपये में कुछ वर्थ नहीं है, और मुझे तो ये कुछ खास पसंद नहीं आया है। तो अभी बीजी का ये जो नी पैड है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, और बस चल रहा है, 1800 रुपये मैंने इस पर खर्च कर दिया है। और इससे बेटर तो ये होता कि मैं कोई एक वो प्रो बाइकर करके आता है, वो काफ़ी सस्ते आते हैं, मैं वो ले लेता। बट वही था, मैंने इसलिए ही मैंने बताया कि रीज़न कि मैंने इसे क्यों लिया था, क्योंकि इसमें जो है वो फोल्डिंग वाला जो है ऑप्शन था, पर सेफ्टी के हिसाब से ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके वेलक्रोज अच्छे नहीं हैं। अब मैं ये तो है नहीं कि मैं इनके वेलक्रो चेंज करने बैठूंगा, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई इसके वेलक्रो ख़राब हो गए हैं या कुछ भी, ख़राब वराब कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। और अगर होता तो सिर्फ एक में होता, वो उस वाले में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि हल्का सा कोई ओस, जैसे ओस गिरने लगती है कुछ भी होता है तो इसका वेल्क्रो उतर जाता है। आप राइडिंग कर रहे हो, राइडिंग में ही बीच में उतर जाता है कई बार, तो फिर आपको पता चलता है यार इसका वेल्क्रो उतर गया, वो उड़ रहा है, तो उसको फिर आपको वापस लगाता है रुक के। तो जब तक हमारी जैकेट वॉश हो रही है, हम लोग एक टाइम लैप्स ले लेते हैं छत का, काफ़ी सारे बादल भी हो रहे हैं। हमारी जैकेट जो है वॉश हो गई है और मैंने इसको यहाँ पे सुखा दिया है। सो इस पे पहले जो है मैंने इसको सर्फ से वॉश किया था, सोप डाल के बाद में इसको पानी में वॉश किया है। सो बस ये अभी सूख रही। सो जैकेट के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ये वाली जैकेट ले सकते हैं, क्योंकि 6500 रुपये का एक जैकेट है, और मैं कहूँ तो सबसे सस्ता जैकेट आप इसे कह सकते हैं, सबसे सस्ता जैकेट है ये इस रेंज के अंदर जो आपको मिल रहा है। जो स्टार्टिंग रेंज होती है जैकेट्स की वो है ये, तो 6500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको मतलब ले सकते हैं। अगर नी पैड की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन है तो आप पहले उस पर जाइए, नहीं तो अगर वैसे काफ़ी ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं तो मुझे ये वहाँ पे यही वाले दिखे थे, या फिर एक कॉपी थे, हाँ तो एल्पाइन स्टार की कॉपी थे वहाँ पे, फर्स्ट कॉपी या फिर जो ना कौन सी कॉपी थी, तो उन्होंने कहा मैं उसका बिल भी नहीं दूंगा, तो एल्पाइन स्टार की कॉपी है और इसी रेंज में वो पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया, क्योंकि मुझे कॉपी नहीं चाहिए था भाई, मेरे को चाहिए था एक एटलीस्ट कोई भी हो लेकिन ब्रांड हो, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया था। काफ़ी मैं कहूँगा कि इस रेंज में आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो आप उस पर जाएँ, नहीं तो फिर आप इसे ले सकते हैं, बाकी इसमें ये वेलक्रो वाला इशू है जो मुझे लगा है। बस इतना सा एक छोटा सा रिव्यू। देखो मैंने अपना जैकेट कहाँ पे लगा रखा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।